स्पिन में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो आऊंगा तो जरूर आप लोग अंतर जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसमें मैंने निफ्टी इंडेक्स का चार्ट एनालिसिस करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट एनालिसिस करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट एनालिसिस करूंगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूंगा, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करूंगा और बहुत सारा डाटा एनालिसिस करूंगा। तो ये इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें कल मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए तो और इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। व्हाट टू ट्रेड टुमारो बेस्ट इक्विटी ट्रेड, ये नाम पे आप लोग को बेस्ट इक्विटी ट्रेड कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ये वीडियो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। तो और आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो और मैंने लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है। मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाया और मैंने जो बाय सेल एक्सेल शीट बनाया आप लोग भी कर सकता है। आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का चार्ट चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रेटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिए। आप लोग यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप लोग जो हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सेल लेवल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सेल लेवल्स विद फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी एंड गन टाइम्स पर स्क्वायर, उसमें बाय सेल लेवल्स एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और ऐसे बिना एक्सेल शीट में भी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत ईजी तरीके से, वो भी मैंने दिखाया है। और मैंने एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल विद एंकर्ड VWAP, वो भी आप लोग देख लीजिए, वो भी आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए जो स्टॉक ब्रोकर इम्पोर्टेंट होता है बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो एंजल बुकिंग, आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, अपस्टॉक्स में आप लोग ज्वाइन हो सकता है। और मैंने जो एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल क्रम स्किनर दिया, सॉरी एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल क्रम हाउ टू एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल विद एंकर VWAP जो लास्ट जो वीडियो दिया था उसका जीरोधा में प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, तो आप लोग को दूसरा प्लेटफॉर्म मतलब अपस्टॉक्स में देख मिलेगा, स्टॉक्स में भी मिलेगा, मैंने अपस्टॉक्स में देखता हूँ। और ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप लोग देख सकता है, इधर इस सर जो मेरा माई जो ये तो मेरा स्ट्रेटेजी का अंदर इसका लगा हुआ है, इधर एंकर्ड VWAP एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका VWAP और स्टैंडर्ड डिविजन का जो आ जाएगा उसको आप ले लेंगे आप लोग, तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा वो इंडिकेटर, ठीक है। तो देखते हैं इंडेक्स का चार्ट ओपन किया हूँ, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का डेली चार्ट इंडेक्स ओपन किया हूँ, कैंडल बनाया है, ये थोड़ा सा ये जो कैंडल बना है इसका ये आज तो ये गैप डाउन ओपन हुआ है, आप लोग सभी ने जानता है ये गैप डाउन ओपन हुआ है, तो इसका थोड़ा सा ये डोजी टाइप का कैंडल, ये डोजी टाइप का कैंडल बना है। इसमें ऑलमोस्ट जो जिधर ओपन हुआ था उधर ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया है, ओपन दिया था ऑलमोस्ट उधर ही चके क्लोजिंग दिया है, थोड़ा सा इधर पहले तो गैप डाउन हुआ है, अप ट्रेंड का है, ये डोजी टाइप का कैंडल दिया है लेकिन थोड़ा सा डोजी है, लेकिन थोड़ा सा इसका हैमर लाइक भी है, मतलब इसका नीचे का वीक ज़्यादा है, मतलब ऊपर से नीचे से इसका सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से बाइंग प्रेशर इधर के बाइंग प्रेशर है ज़्यादा और सेलिंग प्रेशर कम है, और ये अप ट्रेंड भी है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में भी है, अभी तक इसका जो सेकेंडरी ट्रेंड चल रहा है, प्राइमरी ट्रेंड तो डाउन में है ही, मंथली चार्ट में आप लोग को डाउन में ही दिखेगा। तो इधर जो ट्रेंड है इसका मेन ट्रेंड जो है ये अभी तक इसका अप ट्रेंड में ही चल रहा है, ठीक है, मेन ट्रेंड नहीं सॉरी सेकेंडरी जो ट्रेंड है तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है नहीं हो सकता, बहुत सारा वीडियोस में डिस्कस किया हूँ निफ्टी आउटलुक इन द लाइट ऑफ COVID-19 वायरस और ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल GDP कंट्रक्शन, ये सब वीडियो आप लोग देख सकता है, कोरोना वायरस एंड
बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड रिसेशन इज द मार्केट इन बियर फेस, ये सब वीडियो सब लोग देख ले सकते हैं। तो इधर एनीवे तो इधर देखिए ये जो दोजी का टाइप का जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है और इसका थोड़ा सा ये अनसर्टेनिटी बना है, इसका थोड़ा सा नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है, लेकिन इसका जो ट्रेंड अभी तक आप में है तो इसका जो लेवल्स है इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका लेवल पे काम करना चाहिए। तो इसका देखिए ये जो 10,238 से 9,991 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इस जोन में आप लोग काम कर सक मतलब इसको आप लोग ध्यान में रख सकता है। मेरा आज का हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम लाइव मार्केट वो वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए। मैंने जो ट्रेड लिया इसी का अंदर से मैंने ट्रेड लिया था, तो इसके बाद इसका जो लेवल आएगा 10,553 का लेवल इसका इम्पोर्टेंट होगा, 10,553 के ऊपर ये जो लेवल दिख रहा है एक मिनट इसका ये जो लेवल है 10,933 ऐसा कुछ है, ये जो इधर जो लेवल दिख रहा है और इधर से 9,991 के बाद ये 9,817 9,644 9,429 का लेवल ये आ सकता है नीचे आने आ जाएगा। तो इसका ये लेवल पे आप लोग ध्यान रखें, इसमें इसके अंदर काम करेंगे जब तक 238 के ऊपर है और 9,991 का है तो ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बन के रहेगा। तो इसके बाद मैंने इसका बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, इसका जो ट्रेंड चल रहा है अभी भी ऊपर चल रहा है। मैंने थोड़ा सा एक बार फिबोनाची का लेवल ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद इसका बोरा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो देख रहा है अच्छा, तो इधर 21,426 का लेवल्स इसका इम्पोर्टेंट है, इसके बाद 20,600 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है और 20,000 इसका भी दोजी का टाइप का कैंडल पैटर्न बना है जो इधर अपट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। अपट्रेंड का पॉसिबिलिटी अभी भी है, मतलब अभी भी अपट्रेंड का पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसका ये जो रिग्रेशन चैनल है इसका ये जो जो डॉटेड लाइन है ये इसका नीचे है थोड़ा सा, तो इस लेवल तक इसका नीचे का लेवल में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये नीचे का लेवल। और निफ्टी का भी ऐसा ही है और इधर 20,600 और 20,219 का लेवल इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 19,439 उसके बाद 18,721 इसका बहुत ये लेवल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसका लेवल नीचे ये नीचे चला जाएगा। और ऊपर का जो लेवल है 21,426 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा, उसके बाद 22,479 उसके बाद ये 23,817 24,516 ऐसे करके ये ऊपर जा सकता है। इसका जो फ्यूचर का जो देखेंगे, मैंने बाइंग सेलिंग लेवल्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को एक्सेल शीट से, वो भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से पता चल। इसका देखिए इसका निफ्टी फ्यूचर का जो लेवल्स है इसमें RSI अभी तक 60 है और इसका जो ADX का जो स्ट्रेंथ है इसका भी थोड़ा सा ये ऊपर ही दिखा रहा है। और इधर जो लेवल्स है ये आप लोग देख सकता है, इधर का लेवल जो 10,138 का लेवल एक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये 10,300
314 का लेवल भी इसका इम्पोर्टेंट आएगा, और इसके बाद ये और इसका इसका 2314 इसके बाद ये 10456 और 10513 का लेवल ये जा सकता है, और नीचे का जो लेवल है इसका 10219, इसके बाद 10057 का लेवल, इसके बाद ये 9840, इसके बाद 9756, इसके बाद 9587 का लेवल इसका आ सकता है। और बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर आप लोग ध्यान देखे पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा चीज़ मैंने डिस्कस करने वाला हूँ, तो ऑप्शन चेन भी है, उसके बाद और भी कुछ डाटा एनालिसिस करूँगा, और उसके बाद तो देखिए इधर 22058 का लेवल इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 21580 का लेवल भी इसका इम्पोर्टेंट आएगा, इसके बाद इसका 21301 का लेवल 301 का लेवल इम्पोर्टेंट है, इसके बाद 20806, इसके बाद 20574, ठीक है 20574, इसके बाद ये 19817, उसके बाद ये 19450 का लेवल आ सकता है। और ये भी डोजी का टाइप का कैंडल बना है, ये निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी ने डोजी टाइप का कैंडल बना है, लेकिन इसमें हैमर लाइक का ये थोड़ा सा हैमर लाइक पैटर्न बोल सकता है, या पिन बट टाइप का पैटर्न भी बोल सकता है। इसका अंदर थोड़ा सा मतलब नीचे का ट्रेंड तो आज का मतलब नीचे तो जरूर आया है, लेकिन अप जाने का प्रोबेबिलिटी भी इसका बनेगा। फॉर स्पैन ऑफ टाइम, अच्छा निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है इसमें 10500 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10500 का लेवल ठीक है, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, और 10100 का कॉल में साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में इसका 10100 का लेवल पे मैंने इधर पकड़ा है 10100 का लेवल, क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 10100 का लेवल इधर शॉर्टिंग हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है नीचे जाएगा, लेकिन इसका जो 10300 का लेवल पे 10300 का लेवल पे आई भी थोड़ा सा गिरा है, 10350 का लेवल में इसका आई भी थोड़ा सा गिरा है, और इधर आई भी आई भी थोड़ा सा बढ़ गया है, और पी सी आर रेशियो कम हुआ है 0.95 के आसपास, ठीक है, तो इस ये थोड़ा सा ऊपर जाने का भी प्रोबेबिलिटी दिख सकता है। और देखिए बैंक निफ्टी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक निफ्टी का इस तरह वेबसाइट में नीरेश इंडिया साइट का वेबसाइट में आप लोग देख सकता है, इधर कुछ टेक्निकल फॉल्ट दिखा रहा है, तो इसमें मैंने एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा ना, अभी टेक्निकल फॉल्ट तो चला गया, ठीक है एनीवे, तब मैंने जब दिखा रहा था फॉर टेक्निकल फॉल्ट कुछ दिखा रहा था, तो इधर 21500 के आसपास 21500 में इसका शॉर्टिंग हो रहा है, इधर रेजिस्टेंस बना है, और 21000 में शायद इसका 20500 का लेवल पे इसका इसका इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, इधर सपोर्ट बना है, और इधर जो अभी क्लोजिंग दिया है 359 मतलब 400 का लेवल पे ये इसका जो आई बी है ये थोड़ा सा बढ़ चुका है, और पी सी आर रेशियो थोड़ा सा गिरा है, तो इसका भी थोड़ा सा अपेरेंटली ऊपर से तो लगता है ये नीचे जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा अपडेट ये दिख सकता है। अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत सारा चीज़ आप लोग को सामने ले आने का कोशिश करता हूँ। अच्छा
अच्छा इधर मैंने 21,500, इसको 20,500 करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम दिखाता है देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इधर अभी भी अप ट्रेंड प्रोबेबिलिटी अप ट्रेंड दिखा रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। 10,312 में क्लोजिंग दिया है इसका जो आईवी और वगैरह जो दिया है और डेज जो एक्सपीरेशन है सॉरी इसका थ्री देना पड़ेगा। तो ये अभी आई भी इसका थोड़ा सा ऊपर सॉरी मतलब इसका ट्रेंड अप ट्रेंड दिखा रहा है और क्या बता रहा था। इंडिया विक्स जो है इंडिया विक्स थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है मतलब ये नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है इंडिया विक्स ठीक है। और इधर जो मैंने 30 जुलाई तक बैंक निफ्टी का पीसीआर वर्सेस बैंक निफ्टी दिखा है ये अभी तक नीचे है। इसका नीचे जाने का थोड़ा सा इंडिकेशन है मतलब जो मंथ एंड तक जो पीसीआर रेशियो प्रोजेक्ट किया है इसका 21,200 में इसका पेन है मतलब मैक्सिमम पेन है 21,200 का नहीं 21,200 में बहुत ही रेजिस्टेंस फेस करेगा सॉरी सपोर्ट फेस करेगा। और इधर एक मिनट इसको बाद में बोलते हैं। इधर 10,300 का ये भी सपोर्ट इसका 10,300 का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा निफ्टी का। और इधर निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 1.54 था मतलब मैक्सिमम थ्रेशोल्ड में चला गया था ये 1.49 है धीरे धीरे नीचे आने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट होगा कंसोलिडेशन करना करेगा लेकिन इन द लॉन्ग रन तो ये नीचे जाएगा लेकिन कुछ सेशन के अंदर ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिखता है क्योंकि जितना सा आज शॉर्टिंग हुआ है तो ये शॉर्टिंग का शॉर्ट कवरिंग आने का प्रोबेबिलिटी बनेगा कुछ टाइम के अंदर। और FII देखिए इतना सेल किया है लेकिन DII इतना बाई किया है DII बहुत ही मतलब हाई वॉल्यूम में बाई किया है और ये FII बहुत ही हाई वॉल्यूम में सेल किया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब कुछ बाई कर रहा है कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाई कर रहा है बैंकिंग सेक्टर फिनेंशियल सेक्टर फार्मा सेक्टर ये सब में बाई कर रहा है। और एक बात इधर मैंने गन का एनालिसिस दिखाऊंगा अभी 10,254 के ऊपर चल रहा है 10,254 ये 10,358 का लेवल इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा 10,000 ये उसके बाद 10,410 उसके बाद 10,565 तक आ सकता है और नीचे 10,099 मतलब 10,100 में जो सपोर्ट पकड़ा मैंने तो 10,254 का नीचे 10,254 का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इसके बाद 10,099 उसके बाद ऐसे करके ये नीचे का लेवल देख सकता है। और इधर देखिए ये 22,829 का लेवल नीचे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और 20,950 का लेवल भी इसका इम्पोर्टेंट होगा तो इसका नीचे क्लोजिंग आएगा तो ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और कल के मतलब आज का मतलब ओनली आज का डाटा लेके जो 360 एनालिसिस है वो आप लोग को दिखाऊंगा आज का डाटा लेके जो 360 एनालिसिस है वो आप लोग को दिखा देता हूँ उसमें भी पता चलेगा इसका लेवल कैसा। रात में मैंने और भी लेवल दिखाऊंगा फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी और गन डिग्रीज बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी वो भी दिखाऊंगा। रात में मतलब कुछ देर बाद ही मैंने पोस्ट करने का कोशिश करूंगा। इसका देखिए फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल रहता है 45 डिग्री से 360 डिग्री का एक एक साइकिल है बोथ साइड अप साइड और डाउन साइड दोनों है। तो देखिए इधर 10,350 ठीक है 10,350 इसका अप साइड दिखा रहा है और
कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, एक मिनट। इसमें डाटा में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, इसीलिए इतना बड़ा फीका दिख रहा है। एनीवे लोग इसका लेवल चेक कर सकता है, 10,200। हाँ, तो 10,350 का लेवल इसका नज़दीक रहता है, ठीक है। 10,250 का लेवल इसका भी जो लेवल पे है, 21,588 के ऊपर है, 358, इसके बाद 591। और इसका जो मतलब सेल का लेवल है 10,207, ये थोड़ा सा दूर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका अप ट्रेंड ही कहा जा सकता है, ट्रेंड मतलब कल कुछ समय के लिए एटलीस्ट अप ट्रेंड में जाने का प्रॉबिलिटी दिखेगा। उसके बाद वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड भी अब मैंने देखूंगा, तो उसके बाद मैंने बोलूंगा कि इसका ये लेवल आप लोग नोट कर सकता है रात में। और इसको नहीं दिखाऊंगा, मैंने तीनों लेवल दिखाता हूँ, रात में इसको नहीं दिखाऊंगा, तो जब बाइंग सेलिंग लेवल्स दूंगा। अच्छा, और इसका अभी एसजीएक्स निफ्टी और वर्ल्ड मार्केट का क्या पोजीशन है एक बार देख लेता है। एसजीएक्स निफ्टी तो 10,000, मैंने 10,000 मैंने 10,000 दिखा था, रात लास्ट दिखा था इसका, ना 10,237 अभी उठा है, 10,296, 10,144, ये नीचे का दिखा रहा है। लेकिन जोन्स, डो जोन्स एंड S&P थोड़ा सा अप ट्रेंड में दिखा रहा है। तो अमेरिकन मार्केट इसमें तो क्रैश तो हो चुका है, अल्टीमेटली ये 25,000 के नीचे गया है, ये एटलीस्ट 22,000 तक आने का प्रोबेबिलिटी बनता है इसका चार्ट का जो एनालिसिस होता है डो जोन्स का। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मतलब कुछ टाइम के लिए ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी पॉजिटिविटी कल फर्स्ट सेशन में एटलीस्ट पॉजिटिविटी दिखाने का दिख सकता है। और मार्केट अब आज देखा है आप लोग, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, इसीलिए साइडवेज मार्केट बहुत ही साइडवेज मूवमेंट हुआ है। तो हो सकता है कल परसों कुछ मामलों मूवमेंट देख सकता हूँ। और इधर S&P का जो है ये भी नीचे दिखा रहा है। अभी मैंने वर्ल्ड मार्केट का टोटल वर्ल्ड मार्केट का दिखाऊंगा। अच्छा डॉलर इंडेक्स नेगेटिव दिखा रहा है, सॉरी क्या दिखा था मैंने याद नहीं, देख लेता है फिर से। डॉलर इंडेक्स नेगेटिव दिख रहा है, ये इसका थोड़ा सा अप जाने का इंडिकेट कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा मिक्स सिग्नल है, डो जोन्स S&P पॉजिटिव है, नैस्डैक नेगेटिव है। तो ये इसका पॉजिटिव होके क्लोज देगा, तो कल सुबह एटलीस्ट फर्स्ट सेशन में कुछ पॉजिटिविटी दिख सकता है। देखिए लॉन्ग टर्म में डो जोन्स S&P जो अमेरिकन मार्केट है वो नीचे का ही आने का प्रोबेबिलिटी बनता है, एटलीस्ट 22,000 तक इसका आने का प्रॉबिलिटी बनता है। तो इसका लेकिन अभी भी थोड़ा सा जब ऊपर जाएगा तो हम लोग का मार्केट में ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी दिखेगा। और इसके बाद ये थोड़ा सा जो एशियन मार्केट हैंगसेंग गिरा है, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स सिग्नल दिखा रहा है। उधर डॉलर इंडेक्स भी नेगेटिव है, वो मतलब हम लोग का मार्केट के लिए पॉजिटिव है, निफ्टी के लिए पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए और डोजोस बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और गोल्ड सिल्वर का भी प्राइस है, ये भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल जो दिखा रहा है तो थोड़ा सा फर्स्ट सेशन में हम लोग कुछ पॉजिटिव दिख सकता है, और लेकिन उसके बाद वर्ल्ड मार्केट के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। इसीलिए आप लोग को चार्ट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया और बाइंग सेलिंग का लेवल्स जो दिखाया और रात में भी जो दिखाऊंगा तो आप लोग उसको मान के आप लोग को फायदा होगा। धन्यवाद, आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए पसंद होगा तो, और शेयर कीजिए। थैंक यू।